अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है एतवार का दिन, 5 जून। यहाँ पे लगाई हुई थी ब्रोकांत, और मुझे अच्छा ब्रोकांत बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम्स देखने को मिलती हैं, एंटीक्स चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं आपसे आपको कोई ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो कि अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और शायद नए लोग उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, और मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछूंगी भी, और आप में से जिसको पता हो आपने जवाब देना है कि फ़लाँ चीज़ क्या है। और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें भी ख़रीदी थी, उसकी मैं अगली वीडियो बनाऊँगी, जो चीज़ें मैंने ख़रीदी, कितने की ली और वो कैसी हैं, उस अगली वीडियो में आपको सब दिखाऊँगी। यहाँ पे ये ब्लू कलर का वास इन्होंने नीचे रखा हुआ था, इस पर मोहम्मद लिखा हुआ था, तो मैंने इनसे कहा कि आप ऊपर उठा के रखें, फिर मैं उठा के टेबल के ऊपर रख के आई। तो वो औरत तो वैसे मुसलमान ही थी, कहती है सॉरी हमें ख्याल नहीं रहा, और बच्चों को भी मैंने बोला था चलो मेरे साथ, लेकिन बच्चे मेरे साथ नहीं आए। और यहाँ पे ये पता नहीं कौन से मुल्क का नाम बता रहा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी मुश्किल सा नाम था। तो इसने ये चीज़ें लगाई हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और ये देखें पुराने ज़माने का ब्रश, बूट ब्रश करने, जूते ब्रश करने वाला, और इसी तरह बहुत प्यारे प्यारे बर्तन। अच्छा मैं इन पुरानी चीज़ों की तरफ पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होती हूँ, ये पतीले, कोई वो देखते थे ना हम कार्टून, वो जो एक विच होती थी, चुड़ैल होती थी, उसके पास इस तरह का पतीला होता था। तो ये है वो दूध वाली जो गढ़वी होती है, यहाँ भी इस तरह की मतलब इस्तेमाल होती थी। और अब तो वैसे पाकिस्तान में भी ये लकड़ी की कंघियाँ और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स। यहाँ ये पीतल के बर्तन और डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे। अब मुझे सही तरह से याद नहीं कि पीतल के बर्तन कैसे साफ़ किए जाते हैं। हमारे एक पुराने घर में थे, मेरी अम्मी साफ़ किया करती थी जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि कैसे साफ़ होते हैं। तो प्लीज़ आप में से अगर किसी को पता हो कि पीतल के बर्तन कैसे साफ़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। मुझे ये याद है कि वो कोई ऑयल सा होता था, पता नहीं ऑयल था या क्या, ये उसके साथ इसको साफ़ किया जाता था। और यहाँ पर ये जो शीशा है, ये मिरर जो है, मुझे बहुत पसंद आया था। इन्होंने ये 10 एरो का लगाया हुआ था, मुझे कह रहे थे 5 एरो में ले जाओ, लेकिन मैं इतना मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन मेरी डेकोरेशन जो घर की उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ये देखें पुराने बैटरी ड्रेन करने वाले मोबाइल फ़ोन, और ये जो चीज़ है ये आपने मुझे बताना है ये चीज़ किस लिए है। देखती हूँ कितने लोगों का जवाब सही होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। इसको गौर से देखें, ये लकड़ी की बनी हुई है और इसके नीचे एक ब्लेड है, तो आपने अच्छी तरह से देख के इसका जवाब देना है। यहाँ पे काफ़ी पुराने ज़माने के सिक्कों की कलेक्शन की बुक थी, और ये पहले जो लेटर पे टिकट्स लगाई करती थी उसकी हैं, और ये नोट हैं, एरो ही हैं, लेकिन पता नहीं किस ज़माने के हैं, पुराने हैं, मैंने डेट देखना मुझे याद नहीं रही, लेकिन ये है 100 एरो, ऊपर 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 एरो है ये। और ये देखें वीडियो कैमरा, और ये दूसरा कैमरा, फ़ोटो कैमरा पुराने ज़माने के, और इनको देख के ये पीतल के और कांसे के बर्तन, पुराना सा टीवी, और यहाँ पे दूसरे घर के बर्तन, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, बड़ी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है, जो उनको नहीं चाहिए होती है वो लोग यहाँ पे ले आते हैं। वेरी नाइस ज्वेलरी बॉक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।